एक बार शंकर भगवान से किसी ने पूछा, बाबा आप तो बहुत सी विचित्रताओं में जीते हैं। सचमुच भगवान शंकर के साथ जितनी विचित्रताएं हैं किसी के पास शायद हों। चलो भगवान शंकर का जब हम दर्शन करते हैं तो सिर पर जटाएं हैं और जटाओं में गंगा जी की धार, गंगा धवल धार, एक ओर तो गंगा जी की शीतल धारा और दूसरी ओर तीसरे नेत्र में अग्नि। तब सेवती शरणायन उघारा, चितवत काम भयऊ जनी छारा। तीसरे नेत्र में अग्नि, गंगा जी की शीतल धारा और तीसरे नेत्र में अग्नि, ये आग और पानी के बीच में शंकर जी रहते हैं। आग और पानी एक साथ, भाल पर चंद्रमा, भाल द्वितीया शशिधरम और द्वितीया का चंद्रमा भाल पर, चंद्रमा में अमृत। और थोड़ा ही नीचे उतरे गरल कंठ, कंठ में गरल, ये विष और अमृत एक साथ। अरे चलो, आग पानी एक साथ, विष अमृत एक साथ, शंकर जी के गले का हार सर्प पन्नग भूषणम, शंकर जी के गले का आभूषण व्याल सर्प, और शंकर जी के एक पुत्र हैं श्री गणेश जी, उनका वाहन चूहा, ये सांप और चूहा एक साथ। चूहा बेचारा डरता रहता है कि कहीं शंकर जी के गले का हार नीचे ना उतर आवे, नहीं तो ये सांप नीचे आएगा तो हम ऊपर जाएंगे। जल वाला एक साथ, विष अमृत एक साथ, सांप चूहा एक साथ, और शंकर जी के दूसरे पुत्र हैं श्री कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी का वाहन मयूर, मोर। मोर चूहे से कहता, तुम डरते क्यों, हम किस लिए हैं, सांप को नीचे तो उतरने दो। ये मोर और सांप एक साथ, सांप चूहे को खा जाएगा ऐसा डर है, तो मोर सांप को खा जाएगा यही भी डर है। एक दूसरे को खा जाने वाले एक साथ। भगवान शंकर का वाहन वृषभ नंदी और माता भवानी का वाहन सिंह, ये शेर और बैल एक साथ। और शंकर जी के अंग में लगी है विभूति और शंकर जी के साथ रहते भूत, ये भूत भभूत एक साथ। आप विचार करो कितनी विडंबनाएं हैं जिनके बीच में शंकर जी रहते हैं। आग पानी विष अमृत, सांप चूहा मोर, सांप भूत भभूत, सब एक साथ। लेकिन इन सबके बीच में रहते हुए कभी हम लोगों ने शंकर जी को टेंशन में देखा? बड़ी टेंशन है। कभी ब्लड प्रेशर हाई नहीं हुआ, परेशान
दिखे ही नहीं कभी शंकर जी। लिखा है प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हैं। देखो क्यों, भगवान शंकर कहते हैं कि इन सब के बीच में रहने की कला मुझे आ गई। वह कला क्या है? शिव जी कहते हैं मैं एक मंत्र जानता हूं, एक गोली है, मैं उसी को खा लेता हूं, खाता रहता हूं तो ये असर नहीं होते। एक बार मैं किसी डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने देखा और देखकर कहा आपको डायबिटीज है? हमने कहा बहुत दिन से है। तो उन्होंने कहा कि एलोपैथी के डॉक्टर थे कि आप किसी विभूति मंत्र झाड़ फूंक ताबीज गंडा आदि के चक्कर में मत पड़ना, ये कभी ठीक नहीं होगी। तो मैं घबराया, तो उन्होंने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप समय से दवा खाते रहो और परहेज करते रहो तो कंट्रोल में बनी रहेगी। उन्होंने डायबिटीज के संदर्भ में यह बात कही थी और मुझे तो यह बात जीवन के संबंध में भी बहुत ठीक लगी। ये काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर ये सब डायबिटीज हैं, ये कभी नहीं मिटेंगे, इनको मिटाने वाले मिट गए। आप तो कुसंग का परहेज करते रहो, सत्संग की दवाई खाते रहो तो कंट्रोल में बने रहेंगे बस। इसी तरह संसार भी ऐसा ही है, इसमें विविधताएं रहेंगी, आग पानी विष अमृत ये क्या है? कोई प्रशंसा करता है, कोई निंदा करता है, एक दूसरे को खा जाने वाली वृत्तियों के बीच में रहना पड़ता है संसार में। तो करें क्या? शंकर जी कहते मैं एक दवाई खाता हूं, उसका सेवन करो। तुम पुनि राम राम दिन राति, राम राम दिन राति, सादर जपहु सादर 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 जपहु अनंगय राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम 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 स्मरण करते रहो।